गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सिक्स्थ. एक्सरसाइज 10.4 प्रिंसिपल. इसमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जिसका प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 4000, 8% एनम 3 ईयर्स के लिए दिया गया है. तो इंटरेस्ट फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है. प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 4000, रेट दिया 8%, टाइम 3 ईयर्स है. अब हम क्या करेंगे? देखिए, फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट का. इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट आर इनटू टाइम अपॉन 100. तो इसमें पुट अप कर दीजिए वैल्यूज. 4000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट कितना है 8%, टाइम कितना है 3 ईयर्स है, अपान कितना 100. तो 20 से 20 कैंसिल हो गया. 8 3 24 इंटू 40 16. 0 पहले लिख लिया, 4 4 16 और 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, 960 रुपीज़ ये हमारा आंसर हो गया. इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे. रेट दिया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, रेट दिया गया है, इसको 3 ईयर्स 3 2 6 7 अपॉन 2 में कन्वर्ट कर लेंगे और रख देंगे. इसी तरीके से इसको भी करना है, लेकिन ये सिक्स्थ मंथ है. सिक्स्थ मंथ का मतलब हाफ ईयर, 1/2. देखिए इसको कैसे करते हैं. इसमें बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है. प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है? 55,900. फार्मूला हम जानते ही हैं, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है. तो क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100. ये तो मैंने पहले ही बताया था. तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 5,900 है. रेट हमें पता है 12% है. टाइम कितना है? सिक्स मंथ का मतलब हाफ एन ईयर अपॉन 100, यानी ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 6 12 हो गया, 20 ये कैंसिल हो गया. ऊपर क्या बचा? 6 9 54, 5 कैरी हुआ, 6 5 30 और 5 354. इसी तरीके से इसको भी, रेट को देखिए, 14 2 28 और 29/2 रखना है. 29/2 रख देंगे तो आ जाएगा. चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन द. तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है. देखिए कैसे लगेगा ये. अमाउंट दिया है 850, इंटरेस्ट है 128.16. ठीक है, अमाउंट है 850 रुपीज़, इंटरेस्ट हो गया 128.16. तो हम ये जानते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल टू, ये ए से अमाउंट है, पी से प्रिंसिपल निकालना है हमें, प्रिंसिपल अमाउंट, और ये हो गया हमारा इंटरेस्ट रेट. तो अमाउंट तो हमें पता है 850, प्रिंसिपल हमें निकालना है. देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है, तो हम इसको पी ही रखते हैं. इंटरेस्ट हमें पता है 128.16, तो प्रिंसिपल अमाउंट हम इधर से निकाल सकते हैं, पी इधर ही रहेगा. 850 में से 128.16 माइनस हो जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा. जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 84 पॉइंट में, और 850 में से जब इसको माइनस करेंगे तो 721 इतना रुपीस क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट होगा. ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. प्रिंसिपल अमाउंट हमारा इतना है, रेट इतना है पर एनम, और केवल 73 डेज के लिए दिया गया. तो बहुत ही आसान है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. इसमें भी हमें क्या बताना है? सिंपल इंटरेस्ट ही बताना है. तो इसका फॉर्मूला हम सिंपल इंटरेस्ट का जानते हैं. प्रिंसिपल अमाउंट फिर रेट इनटू टाइम अपॉन 100. तो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना ही है.
प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 20,000 दिया ही है, और उसके बाद रेट भी हमें पता है 9%, टाइम क्या पता है 73 डेज है। अब देखिए ये ईयर में तो नहीं है, लेकिन एक साल में 365 डेज होते हैं, अपॉन 100 होता है। देखिए अपॉन 100 हमने लिख लिया, 365 इसी में रहेगा, तो ये हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल हो गया, बाकी इसको कट करेंगे, इसको सब जब करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा सीधे सीधे 360 रुपीज़। ये इतना सिंपल इंटरेस्ट होगा, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8-5 देखते हैं। ए ने क्या किया, 24,000 स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई में क्या किया, डिपॉजिट किया, जमा किया। अब एसबीआई 15% इंटरेस्ट रेट दे रही है पर ईयर, इस रेट से उसे इंटरेस्ट दे रही है। फाइंड द अमाउंट ही विल गेट इन द 4 ईयर्स, 4 साल में उसे कितना ब्याज मिलेगा, या टोटल अमाउंट उसका क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट। अब इस क्वेश्चन में सब कुछ क्लियरली बताया गया हुआ, मनी डिपॉजिट कितने ना किया 24,000, रेट कितना है 15%, टाइम, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल लेना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 24,000 इंटू रेट कितना है 15, टाइम कितना है 4, अपान 100, 20 कैंसिल हो गया। अब ये जब इसको इवेलुएट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 14,000। देखिए ये तो 60 हो जाएगा, 20, 240 इंटू 60, ये आ जाएगा 14,400 रुपीज़ आ जाएगा, इतना इंटरेस्ट हो गया। उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल उसके बैंक के खाते में कितने पैसे रह गए, 24,000 उसने जमा किया था, उसके बाद 14,400 उसे और मिल गया इंटरेस्ट के रूप में, तो उसका कितना हो गया 38,400, ये उसका टोटल अमाउंट हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6,000 6 मंथ एट द रेट ऑफ 5 पैसे पर मंथ। तो देखिए एक मंथ का अगर हम इंटरेस्ट रेट निकाल लें तो बाकी निकल जाएगा। अब उसके पास टोटल अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 6,000, उसका रेट क्या है 5 पैसे पर रुपीज। तो देखिए 6,000 का 1 मंथ में कितना होगा, 1 मंथ में कितना वो इंटरेस्ट पाएगा, 6,000 इंटू 5 अपॉन 100, 5 पैसे हो गया, इंटू ये आएगा 300 रुपीज़। अब 6 मंथ में कितना होगा, 6 मंथ में 300 इंटू 6 हो जाएगा, यानी 1,800 रुपीज़ उसका हो जाएगा ये अमाउंट। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।